घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, पर जो फिर से उड़ा वही जिंदा है। तो चलें आज क्लास 9 का जो है लाइंस एंड एंगल्स का कुछ क्वेश्चंस लाएं। 7 ए का 4th नंबर तक तो पिछला वीडियो में बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट। तो 5 का आंसर लेट द एंगल इक्वल टू एक्स, एंगल क्या है एक्स है, देयरफॉर इट्स कम्प्लीमेंट, इट्स कम्प्लीमेंट एंगल इक्वल टू 90 माइनस एक्स, कम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला देखिए, फाइंड द मेजर विच ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन, कम्प्लीमेंट से ये ज़्यादा, यानी कि इसमें अगर हम लोग 36 ऐड कर देते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएगा। x इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 36, एक्स प्लस एक्स 90 और 36 को ऐड करेंगे 112। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 126 बाई 2, 26 जा 12, 23 जा 6, 63, x इक्वल टू क्या हो गया 63। ये 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 लेस देन इट्स कम्प्लीमेंट। 6 का जो है आंसर है लेट द एंगल इक्वल टू x, देयरफॉर सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, वन हंड्रेड एट्टी माइनस एक्स, कम्प्लीमेंट में 90 माइनस एक्स होगा, इसमें सप्लीमेंट में 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 लेस देन इट्स सप्लीमेंट, मतलब ये 30 डिग्री का, मतलब अगर इसमें हम 30 ऐड कर देंगे दोनों बराबर हो जाएगा। एक्स प्लस 30, इसमें ध्यान दीजिएगा एक्स प्लस 30 कहाँ 30 ऐड करना है, इक्वल टू 180 माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 माइनस 30, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 5, 1, 150, x इक्वल टू क्या हो गया 150 बाई 2, 75 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट। 7 का जो है आंसर लेट द एंगल इक्वल टू एक्स, इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, कम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स, ये क्या है 4 टाइम्स है, यानी कि हमको इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा 90 माइनस एक्स। फाइव एक्स इक्वल टू 360, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 बाई 5, 5 सेवन जो 35, 5 टू जो 10, 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। 8 का आंसर लेट द एंगल, लेट द एंगल इक्वल टू एक्स, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, देयरफॉर द सप्लीमेंट एंगल, द सप्लीमेंट, सप्लीमेंट एंगल हो गया 180 माइनस एक्स। अब देखिए ये जो एंगल है ये 5 टाइम्स इसका है, तो सप्लीमेंट में ही हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स इक्वल टू 180 माइनस एक्स, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक्स इक्वल टू देखिए 5 इंटू 180, फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, माइनस 5x,
एक्स माइनस माइनस ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 5x इक्वल टू 5 इंटू 180, 6x इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू 180, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू 180 बाय 6। देखिए ये आसानी से कट जाएगा इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं किए, आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। लेट द एंगल इक्वल टू एक्स, देयरफोर कंप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा इसका 180 माइनस एक्स। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, ये जो है इसका 4 टाइम्स है, तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, 4 इंटू 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180 माइनस एक्स, 4 9 36 0 माइनस 4x इक्वल टू 180 माइनस एक्स, माइनस 4x और प्लस एक्स 180, और ये जो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा 360, माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा घटेगा 360 में 180 घटाना है 0 8 180 180, माइनस बड़ा है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाय 3, 36 जा 18 और 0 60, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 60, जो वैल्यू था 60। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल व्हिच इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। लेट द एंगल इक्वल टू एक्स, देयरफोर कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब देखिए क्या बोल रहा है, द एंगल व्हिच इज 1/3 इट्स कंप्लीमेंट, सप्लीमेंट ये जो है 1/3 है, तो अगर इससे हमको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसका इसको जो है 1/3 कर देंगे, 180 माइनस जो भी आप करें 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180 माइनस एक्स, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर यहाँ 1/3 भी लिख सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 3x प्लस x इधर आया 180 माइनस 270 माइनस 2x 270 में 180 घटा देंगे 90 माइनस में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 90 बाय 2 45, x इक्वल टू क्या हो गया 45 आंसर 45 डिग्री। ये जो है 7a का 11-12 लास्ट क्वेश्चन है, इससे ये 7a हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बोलें कि इस चैनल से जुड़ें, अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 का आंसर, टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। ठीक है, लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल टू क्या 4x, सेकंड एंगल 5x, क्योंकि 4 और 5 का रेशियो में है तो 4 और 5x होगा, 4x 5x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है कंप्लीमेंट्री है ना, मतलब दोनों का सम क्या हो जाएगा 4x प्लस 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि 9x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 बाय 9
देयरफॉर फर्स्ट एंगल 4 इंटू 10 40 डिग्री, सेकंड एंगल 5 इंटू 10 50 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल 2x माइनस 5 एंड x माइनस 10 आर द कंप्लीमेंट्री। दोनों जो है, फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल क्या है 2x माइनस 5, सेकंड एंगल क्या है x माइनस 10। दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है ना, यानी कि 2x माइनस 5 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 2x माइनस 5 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 90 डिग्री। 2x प्लस x 3x हो गया, यहाँ 10 5 15 15 डायरेक्ट उधर भेजते हैं, प्लस हो जाएगा प्लस 15, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 10 105/3। 3 का टेबल में काट दें इसको, 35 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 35। देयरफॉर फर्स्ट एंगल, देयरफॉर फर्स्ट एंगल इक्वल टू 2 इंटू 35 2x माइनस 5, यानी कि 2x x की जगह 35 माइनस क्या है 5, 65 डिग्री। सेकंड एंगल क्या हो जाएगा x माइनस 10, यानी कि 35 माइनस 10, 35 माइनस 10 25 डिग्री। ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन 12 का, और साथ ही साथ 7a कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में 7b के साथ आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।